फाइनली गाइस हमने फिश करी बना चुके हैं और देसी टाइल है। तो गाइस ये है खासियत कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि पूरा डिटेल्स तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि गाइस ये पहले से बना रहे थे और मेरे घर में ही है गाइस, और मिट्टी का चूल्हा ही है और देसी मछली और लकड़ी से बना रहे हैं जो कि गांव में कैसे तौर तरीके से बनाते हैं गाइस, वही थोड़ा वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो गाइज मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मिट्टी घर ही है, और कैसे देसी तरीके से मछली की करी फिश करी बनाते हैं दोस्तों, वही मैं वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से बनाई जाते हैं गाइज। और मेरे वीडियो प्यारा सा और अच्छा लगे, गांव के तौर तरीके से आपको अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़, न्यू है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट करना गाइज कि देसी वीडियो देसी स्टाइल के करी देखने के लिए आप मेरे को कमेंट करो तो मैं उस वीडियो के बारे में बताऊंगा और शुरू से बना के दिखाऊंगा गाइज किस तरह होता है और देसी करी कैसे मज़े लगता है दोस्तों। आप भी प्लीज़ घर में आपका घर में बना के खाइएगा तो बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है दोस्तों इस फिश करी में, देखिए ऑयल तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा पानी का जूस है दोस्तों, इसी तरीके से बनाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और आप रेस्टोरेंट का फिश करी भूल जाएगा दोस्तों, और ये महंगे नहीं सस्ते में काम हो जाता है दोस्तों। तो गाइस आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हर तरीके का न्यू न्यू वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।